Alright people, welcome back to my world. It's Thakur Aman Singh back in action with a new video. मैं हूँ वेनिस सिटी में. पहली बात हम लोग बाहर निकले, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स है और यहाँ पे यूरो लेते हैं. आधा घंटा हो चुका है मुझे बाहर निकल के. मैं सोचा नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से शुरू करूँगा. मेरे को लगा मैं डायरेक्ट बोट पर जाने के बाद मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि अभी बस में जाने के लिए भी हम लोगों को एटलीस्ट 2 यूरो चाहिए पर पर्सन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे यूरो है ही नहीं. तो बाकी लोकल शॉप्स में भी जाके मैं पूछ रहा हूँ तो भी हेल्प नहीं कर पा रहे. मनी एक्सचेंज यहाँ से बहुत दूर है. आधा घंटा हो चुका है चल के, लेकिन अभी तक कहीं भी मनी एक्सचेंज का कुछ मिला नहीं है. तो देखते हैं, होप सो मैं पहुँच जाऊँ वेनिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ड्रीम था मेरे लिए कि मैं वेनिस जाऊँ. आ तो गया हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है. तो देखते हैं क्या क्या होता है आज, क्या क्या मिलता है मुझे आज. सो गाइस, अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और वहाँ पे कुछ खाया पिया, तो वहाँ से चेंज मिल गया. लकीली लास्ट मोमेंट में जब हम लोग कैश पे करने गए तो उसने बोला डॉलर नहीं चलेगा, यूरो चाहिए. लेकिन बात करने के बाद में डॉलर लेके हम लोग को यूरो में चेंज दे दिया. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने. बस पकड़ने के बाद मैं निकलूँगा मैं वेनिस के लिए. तो काफ़ी अच्छा हो गया, अगर वहाँ पर नहीं लेती डॉलर तो प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए. सो गाइस, बस मिल गई है. बहुत अच्छा लग रहा है कि बस में बैठ गए. वेनिस जाने के लिए यहाँ से 20 मिनट का ड्राइव है, 7 किलोमीटर को घूम रहे हैं तो 15-20 मिनट लगेगा. मुझे कुछ ऐसा होप नहीं था कि हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रहा था और बस के लिए एटलीस्ट 2 यूरो थे, 2 यूरो एंड 3 यूरो लगे हैं. तो सब ठीक से हुआ. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes like an exotic drink, the radio. सो गाइस, यही बस है वो 53E. हाँ 53E जो कि वेनिस आती है पोर्ट से. इसमें ऐसा हुआ था कि मेरा कैब गिर गया था और मेरे दोस्तों ने कैब छुपा दिया था. मुझे लगा यार कि हाँ वेनिस में भी क्या ऐसे लोग कैब उठा लेते हैं किसी का, बट मेरे दोस्तों ने लिया था. ठीक है, ये बस स्टॉप है. ये लाइक यहाँ पे डेपो टाइप होता है, जैसा मुंबई में डेपो बोलते हैं वैसे डेपो है. सिटी के बीचों बीचों में. तो बोट का ट्राई करूंगा, क्योंकि 4 बज गए यहाँ पे. काश बोट खुली रहे, फेरी होता है चालू रहे. बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या मिलता है मुझे आज. तो गाइस, वेनिस काफ़ी ब्यूटीफुल है. लाइक मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज में घुमा हूँ, लाइक इटली में मैन टूडे ना बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन वेनिस बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में. और यहाँ के जो ठंड है वो बहुत प्यारी, यानी मेरे हिसाब से ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत अच्छी है. कुछ 20 यूरो में 24 आवर्स यहाँ पे है, बोट सर्विस है और साथ में आपको बस फैसिलिटी मिलेगी वही टिकट पे. तो 20 यूरो में मिलता है आपको. लास्ट जो रेस्टोरेंट में बैठे थे वहाँ पे मैंने 50 कराया था और यहाँ पे मैंने 50 कराया. तो अभी मैं सिर्फ जाके बोट में बैठूंगा और फिर यहाँ पे कुछ खाएंगे और उसके बाद अगर चाहिए देगा 9-10 बजे तक यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज खुला रहता है, तो यहाँ पे आके मैं एक्सचेंज कर लूँगा. जैसा आपने देखा रहेगा हमें बोट सर्विस होता है, तो हम लोग बोट में आने वाले हैं. तो रुके हैं यहाँ पे, टिकट बाय कर लिया है. तो अभी हम लोग जाएंगे बोट पे, तो आपको बताता हूँ बोट पे क्या क्या होता है. तो गाइस, आपको पता है कि लास्ट 5 साल से मैं सेल कर रहा हूँ और मेरा एक ड्रीम था कि मैं वेनिस आऊँ. लाइक बहुत सारी कंट्रीज से जाकर उनको जाना है, लेकिन मेरे को जाने नहीं मिला. वैसे वेनिस एक ऐसा सिटी है जहाँ पे मुझे जाना था और मैं आज पहुँचा हूँ. लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो मैं आज बहुत सारी चीज़ करने वाला हूँ. अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 44 हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे रात होने वाली है तो ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं. तो अगर यहाँ से मिलेगा हम लोग को बोट, तो बोट में आने वाले हैं और देखते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मैंने लोकल लोगों से पूछा था तो बोले कि बोट बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, और 20 यूरो में कुछ 24 घंटे के लिए है और 40 यूरो में 3 दिन के लिए और 60 यूरो में 1 वीक के लिए. और यहाँ पे बोट टिकट के साथ में आपको बस ट्रैवलिंग भी फ्री मिलता है. तो हम लोग ने 20 वाला लिया है. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say, oh not another word, just la 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 la, it goes around the world, just la 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 la, it's all around the world, just la 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 la, and everybody's singing la 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 la.
song around the world, just la la la. The Clash, okay. The Clash and you run away. That's not great. I got this. ब्यूटीफुल है यार, ये बोलना पड़ेगा, इतनी दुनिया घूम लिया लेकिन ये कुछ अलग ही है, इसका कुछ अलग ही मजा है। अरे वो वाली वोट थी ना, वो दीपिका पादुकोण की थी और रणबीर कपूर की, उसमें जाना था मुझे लेकिन मैं गलती से इसमें आ गया। सो गाइस, लाइक ये एक बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लोग को यहाँ पे आना चाहिए। बोट सर्विस होती है यहाँ पे, बहुत सारी तरह की कैटेगरी की मेरे को बोट दिख रही है, लेकिन हम लोग जिसमें आए वो कुछ अलग ही कैटेगरी का था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, अभी 5:20 हो गए हैं, 6 बजे यहाँ पे पूरा। वो वाली बोट थी इसमें जाना था लेकिन आ गए इधर पे। स्टॉप आ गया है और जो कैमरा मैन जिसको अपॉइंट किया गया है, देखो ये कैमरा मैन इधर देख, इसने सारी फोटो गंदी कर दी है। जो बोट का गेट खोलती है उसको मैंने बहुत तंग किया, मैं गेट पे खड़ा था, हर बार उसको मुझे साइड करना पड़ रहा था। अभी उतर गया तो लास्ट में उसे थैंक यू बोल के आया। तो अभी जहाँ से हम लोग आए देखते हैं, वहाँ पे पैदल जाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि लोग बोले पैदल चलते हैं, लेकिन रात हो गई तो इतना कुछ अच्छा अभी दिखेगा नहीं माहौल, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार। अच्छा काफ़ी लगा, रात हो गई, ठंड बढ़ रही है, लाइक आफ्टरनून के टाइम में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि क्लाइमेट नॉर्मल था यहाँ पे, और अभी यहाँ पे काफ़ी ठंड हो गई है। इससे रेस्टोरेंट में पहले बैठे कुछ खाना खाना बहुत जोर से भूख लगी है। जो भी मेरा यहाँ पे फेयर हुआ था, कितना कितना हुआ, लाइक बस का हुआ, हम लोगों ने कैसे एक्सचेंज कराया, सब आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो पूरा देखे और वीडियो इन्जॉय करे। Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la. It goes around.
हेलो एवरीबॉडी, होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड माय वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको कुछ बातें बतानी थी वेनिस के बारे में। मैं गया और दो वीडियो बनने वाले हैं, इसके बाद भी एक और वीडियो आने वाला है, उसमें तो और काफ़ी अच्छा एंजॉय किया मैंने। तो मैं आपको बताऊंगा कि वेनिस गया मैं तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था, स्टार्ट टू एंड। ठीक है, पहले बात तो जैसे आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ $US थे, कार्ड मैंने इस सेलिंग में कैरी नहीं किया है, तो मेरे को हर पुट पे यानी प्रॉब्लम्स हो रही है। और वेनिस में जब मैं गया तो मेरे साथ तीन चार लोग साथ में गए थे, लेकिन किसी के पास कार्ड नहीं था, करेंसी एक्सचेंज हो नहीं रहा है। तो पोर्ट के पास में एक रेस्टोरेंट था, वो रेस्टोरेंट पे मैं गया तो मैंने लड़की से बात किया कि देखो ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे वेनिस जाना है बट मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास यूरो नहीं है, मेरे पास $US है और बस वाला भी $US नहीं लेगा। तो उससे बात करने के बाद वो लड़की मान गई कि ठीक है, वो करेंसी एक्सचेंज करने तैयार है। तो हम लोग ने उसके रेस्टोरेंट में से कुछ खाया पिया तो $33 हमारा बिल हुआ था। तो हम लोग ने जब पे करने गए तो मैंने उससे $100 दिया, तो वो बोल रही है कि नहीं ये नहीं चलेगा, यूरो चाहिए। तो मैं हम लोग सब लोग शॉक हो गए कि यार ये कैसा बोल रही है। तो मुझे बस लास्ट ऑप्शन यही लगा कि अब इसे $50 दूंगा और चुपचाप चले जाऊंगा शिप पे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं आने का अब। बट लकीली बात करने के बाद वो मानी, तो उसने मुझे $100 के चेंज दिए। शाम तक मैंने वापस $50 कराया, तो टोटल में $150 का मैंने एक्सचेंज कराया था, जिसमें से मेरे पास अभी 2 या 1.5 ऐसा कुछ यूरो बचा है मेरे पास, बाकी सब तो ख़त्म हो गए। अच्छा लगा, टाइम अच्छा गया, इन्जॉय किया। थोड़ा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा कुछ मैंने शॉपिंग भी नहीं किया मैंने कुछ, ये सब दिख रहा है आपको, जो मैग्नेट्स वगैरह ये सब मैंने वेनिस से दिया था, और इतना कुछ तो मैंने कुछ बाय किया नहीं, ये जैसे एक मेमोरीज के लिए कि घर पे रहेगा तो कभी कभी हाँ बोल सकूँ मैं यहाँ पे गया हूँ। 3 यूरो लगे हमें बस के लिए। वहाँ जाने के बाद बोट के काफ़ी डिफरेंट काउंटर्स है वहाँ पे, यानी जो हम लोग जिसमें गए थे वो है वाटर बस, उसके बाद में टैक्सी भी वहाँ पे, वाटर टैक्सी, फिर प्राइवेट जो यॉट बोलते हैं वो सब भी है। हम लोग ने 20 यूरोज़ का टिकट बाई किया था बस का, उसमें आपको बस ट्रैवलिंग और बोट का आने जाने का फ्री रहेगा विद इन 24 आवर्स में, आप कितनी बार भी अप डाउन कर सकते हो। बट अगर आप जा रहे हो तो आप वॉक करके घूमोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा बेटर लगेगा, क्योंकि हम लोग गए थे तो हम लोग ने सिर्फ वन वे गए, आगे जाके हम लोग उतरे और उतरने के बाद हम लोग ने अंदर सिटी में वॉक किया, हम लोग वापस रिटर्न आने के टाइम बोट से नहीं आए थे। तो अगर आपको वॉक करना है तो वहाँ पर 7 यूरो का भी टिकट मिलता है, वन वे होता है वो, तो आप 7 यूरो का टिकट ले लो, आपके लिए वो चीप पड़ेगा। स्टार्टिंग जो बोट स्टेशन है वहाँ से एंड तक जाओ और वहाँ से सिटी में अंदर घूमो, शाम के टाइम बहुत हैपनिंग है, बहुत अच्छा है। लेकिन कैमरे में इतना अच्छा कुछ वीडियो आया नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया लेकिन वो कुछ मतलब पता नहीं तो मैंने अपलोड नहीं किया। जो सेकेंड डे का मैं वीडियो अभी कल अपलोड करूँगा, वो वीडियो में अच्छे से मैंने रिकॉर्डिंग किया है। जो बोट मैंने बताया था जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर जो लोग सॉन्ग में गए खुदा जाने कि मैं फिदा हूँ जिसमें, तो वो बोट का चार्ज है 80 यूरोज़ 100 यूरोज़ ऐसा। एक्चुअली कपल बोट, वो जो गंडोला बोट है उसका स्टेशन वहाँ पे नहीं है, वो आपको थोड़ा सा वॉक करके सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे इसके सब लगे रहते हैं काउंटर्स, तो वहाँ से आपको टिकट इसका बाय करना पड़ेगा। अगर ये गंडोला मेरे को पहले बोट स्टेशन मिल जाता अकेले आता, लेकिन मैं ज़रूर जाता उसमें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 5 साल के बाद मुझे मौका मिला कि मैं वेनिस आया। रही बात यहाँ की फ़ूड की, फ़ूड काफ़ी एक्सपेंसिव है लेकिन क्वालिटी वाइज सुपर्ब है, बहुत अच्छे हैं। अगर आपको वैकेशन पे यहाँ पे आना है तो देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ सच सच बोलूँगा, ठीक है। मैं दिन में भी घुमाऊँ रात में भी घुमाऊँ मैं वेनिस, अगर आपको वेनिस आना है तो आप एक बार आ सकते हैं, हाँ एक बार आ सकते हो, क्योंकि वेनिस की स्पेशलिटी वही है कि पूरा सिटी पानी के अंदर है, तो वहाँ पर आप सिर्फ साइकिल से ट्रैवल कर सकते हो या तो आप वॉक से कर सकते हो, ना कोई कार ना कोई बाइक, कुछ नहीं है बीच में, हर जगह ब्रिज है, बैरिगेट है, आप सिटी में कुछ ले जा नहीं सकते हो, तो आपको वॉक करना ही पड़ेगा, या तो आपके पास साइकिल है तो उठा उठा के ब्रिज क्रॉस करके साइकिल जा सकते हो। तो बस वो एक चीज़ देखने के लिए वेनिस का बहुत अच्छा है कि सब आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन है सब पानी के अंदर ही है, बोट जो भी है, वाटर बस जो भी है, तो आपको सिर्फ यही ट्रांसपोर्टेशन है अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वॉक करना पड़ेगा। एक्सपेंसिव है यहाँ पे जैसे खाना, क्लब, घूमना, रहना, लेकिन यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 30% यहाँ के लोकल आपको लोग मिलेंगे, बाकी 70% सब फॉरेनर्स ही है, ये कंट्री से वो कंट्री, सब जगह से लोग आए हैं सिर्फ वेनिस घूमने के लिए। अभी तो मैं निकल गया वहाँ से, अपने वीडियो में देखा रहेगा कि बहुत सारे चाइनीज लोग भी थे वहाँ पे, तो पूरा इटली में कोरोना फैला हुआ है। अब मैं जो कल एक और वीडियो डालूंगा उसमें भी वैसे ही है, सब जगह आपको चाइनीज ही दिखेंगे, बट लकीली
मैं और मेरे सारे दोस्त लोग, किसी को भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब लकीली वहाँ से सेफली निकल गए. घूमे वेनिस में, बहुत अच्छा लगा, एक तरह का ड्रीम पूरा हो गया. जैसे बहुत सारी जगह जाने के लिए यार, अभी तो मैं ताजमहल भी नहीं गया हूँ. तो ताजमहल है, अपना न्यूयॉर्क जाना है मुझे. न्यूयॉर्क तो मैं अभी जा ही रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरी हालत कैसी है. मैं अभी ब्राज़ील में हूँ, बाहर पोर्ट पे मैं बाहर नहीं उतर सकता हूँ, क्वारंटाइन किए हुए. तो यहाँ से मैं जाने वाला था रियो डी जेनेरियो, कुछ 100 किलोमीटर है, लेकिन नहीं जाने मिला. उसके बाद जा रहे न्यूयॉर्क, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो भी छूट गया, अब क्या करें. और उसके बाद जाएगा हैमिल्टन. हैमिल्टन में है नायग्रा फॉल्स. हाँ मैं गया हूँ एक बार, लेकिन एक बार और जा सकते हैं, लाइक अच्छी जगह है घूमने लायक. तो एक बार वापस जाना था मुझे, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया. तो अब से लेके मेरे जो 4 महीने 3 महीने बचे हैं, सब सिर्फ मेरे शिप पे आने वाले हैं. आप लोगों को चलो 15 दिन के लिए बीजिंग के लिए क्वारंटाइन किया गया है, यहाँ तो मैं 4 महीने के लिए हो गया. और एक और बात आपको बोलना चाहूँगा मैं, आप लोग को वीडियो क्लियरिटी में और ऑडियो क्लियरिटी में थोड़ा सा फ़र्क लगता रहेगा, क्योंकि मैं अपने सेलफोन से सब रिकॉर्डिंग लेता हूँ, और एक गोप्रो से. गोप्रो का बैटरी ज़्यादा लंबा टिकता नहीं है, तो मैं उससे खाली इमरजेंसी के लिए रखता हूँ कि कभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होगा तो गोप्रो काम आएगा. तो गोप्रो से मैं कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग कुछ ऐसे करता नहीं हूँ. तो ऑडियो इतना अच्छा नहीं रहेगा मेरे को पता है, लेकिन ठीक है. मैं अभी बाहर भी नहीं आ सकता, मैं कहीं से माइक या कैमरा कहीं कुछ बाय नहीं कर सकता. ये तो मैं सिर्फ एक टेस्ट ड्राइव मारा था कि मेरा वीडियोज़ कैसे बनते हैं बाहर जाता हूँ. तो अगर अच्छे बनते हैं तो मैं कैमरा खरीदूँगा, आप तो मैं ज़रूर एक बाय करूँगा कैमरा. तो मे बी इंडिया से करना पड़े मुझे, क्योंकि यहाँ पे यूएस में भी शोलिव नहीं है, कनाडा में भी शोलिव नहीं है. उसके बाद शायद यूरोप ही आऊँगा मैं, बेल्जियम या फिर नॉर्वे या फिर एम्स्टर्डम कहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे भी शोलिव नहीं है, तो मैं कहीं नहीं आ पाऊँगा. कैमरा लूँगा मैं, इंडिया से लूँगा. मैं ट्राई कर रहा हूँ वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव करने की. आप जो माइक देख रहे हो, ये माइक मेरे ना गोप्रो पे अटैच होता है, ना मेरे वन प्लस 7 प्रो पे अटैच होता है, क्योंकि 3.5 mm का जैक इन दोनों में नहीं दिया है. ये मैं अपने लैपटॉप में अटैच करके ऑडियो थोड़ा क्लियर आए इसकी कोशिश कर रहा हूँ. तो गाइस वेनिस गए, घूमे फिरे, एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा. कुछ मैंने फोटोज खींचे हैं, वो फोटोज आप यहाँ देख सकते हैं. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around. पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं. तो गाइस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और एंजॉय.